हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए वीडियो के अंदर। आप देख रहे हो मुन्ना भाई 28 यूट्यूब चैनल। तो सिंपली मैं नीचे उतर रहा था प्लेन से, उतरते वक्त मेरे को एक गन दिखा, शायद मेरे को जहाँ तक पता है ये M60 होगा, M60 हाँ शायद ये M60 है। उसके बाद मेरे पीछे एक नियत्ता बंदा उतर गया, इसको मैं सिंपली नॉकआउट करना पड़ेगा। चलो नॉकआउट हो गया, इसके बाद फिनिशअप भी कर देते हैं ताकि ये बाद में दिक्कत ना, रिवाइव हो गया दिक्कत है काम कोई ना। उसके बाद थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेता हूँ। और आप वो दूसरी बात बता दूँ आपको, ये नेक्स्ट मैप जो है ना, इसके अंदर एक जो जगह है भाई, उधर अगर आप अगर चढ़ गए भाई, फिर तो स्क्वाड वाइव आप इजी बीजी कर सकते हो। पता है आप अगर स्क्वाड में अकेले भी जिंदा हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा भुया कर सकते हो। अगर उधर लास्ट जोन बन जाए फिर तो मज़ा ही आ जाए। आप देख रहे हो ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा वो जगह, आपको लास्ट में बता दूंगा। मैं सिंपली दूर पे गया रैंकपुर मतलब लूट करने के लिए। उसके बाद मेरे टीममेट ने बोला इधर पूरा स्क्वाड है, हम सामान ले पा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मैं सिंपली टीममेट को लेके बाइक से आ गया भाई। और इधर आते ही देखो भाई, ये बंदा टीममेट को डैमेज, अरे भाई देखो इसका स्कैम होता है भी ये जंप वाली जगह में। सिंपली इसको नॉकआउट और फ्रेश भी कर दिया मैंने, और इसका देखो दो टीममेट मेरे को डैमेज दे रहा है। इसको सिंपली मैं डैमेज दिया ग्लोअल पे का, और इसके बाद शायद इसको नॉकआउट कर दूँ। नॉकआउट हो गया भाई, उसके बाद सिंपली भाई मेरे को इसको फिनिश अप करना पड़ेगा। उसके बाद एक दो मेडी मारना पड़ेगा, नहीं तो भाई दिक्कत होगा। फिर बाद में हमारा जोन, पहले तो जोन के अंदर है, उसके बाद इसका टीममेट डैमेज दे रहा है भाई। उसको और एक मेडी मारना पड़ेगा, फुल नहीं हुआ। उसके बाद इसको ग्रेनेड करना पड़ेगा शायद, इसको फिर रश देने में आसान होगा। चलो ग्रेनेड कर दे, कुक करके फेंकते हो ताकि इसको डैमेज पड़े। चलो फेंक दिया एक ग्रेनेड ऐसे, चलो 155 का डैमेज पड़ा। हाँ अभी रेस्ट देते हैं इजी बीजी। अरे देखो ये जंप वाला स्कैम जो है ना, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, मेरे को बुरा लगता है। ये देखो बंदा बहुत चालू है भाई, मेरे को डैमेज दे दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेक्टर है। इसके बाद मैं इसको जितना गोली मारता हूँ ये गोली पे टच नहीं होता भाई इसको, सिंपली वो मेरा टीममेट अंदर हो गया, मेरे डैमेज दिया 25 के दो बार, तो सिंपली ये फिनिश हो गया। उसके बाद इसके स्क्वाड मतलब ख़त्म। और उसके बाद आपको जो मैं बोला था ना लास्ट में जो जगह दिखाऊंगा एक एंगल वाली, ये लो ये रहा वो जगह, ये जगह वो जो ये इधर से जो एंगल मिलता है ना आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात आपको ये अगर ये वॉइस ओवर में जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है अगर दिक्कत हो जाए भाई, सॉरी भाई कुछ नहीं कर सकते, इधर का वो कंपनी है ना यार, कंपनी में आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, तो सिंपली आप लोग मैनेज कर लेना यार। और उसके बाद आप लोग देख लेना इधर से, मैं पूरा स्क्वाड को खा जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये लोग डैमेज भी नहीं दे पाएंगे शायद मेरे को। ये देखो सिंपली एक नॉकआउट हो गया, इसको फिनिश अप करना था। लास्ट वन में जो है ना ये जो लास्ट सर्कल में किल बहुत चोरी का होता है। उसके बाद सिंपली और एक बंदा आ गया, उसको सिंपली मैं रोका तो नहीं कर पाया, लेकिन बहुत शायद 10 HP का होगा। इसके बाद इसका टीममेट को मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, ये भी शायद 10 HP का होगा। इसके बाद ये निकला, फिर से 17 का डैमेज पड़ा भाई। ये बंदा बहुत चालू है भाई, मतलब निकलते ही अंदर चला गया। चलो ये नॉकआउट हो गया। उसके बाद इसका टीममेट आ गया शायद, इसको मेरे टीममेट ने शायद डैमेज दिया, अच्छा खासा डैमेज दिया। मेरे को इसको फिनिश करना पड़ेगा। चलो ये फिनिश हो गया। आप लोग भाई अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो यार, लाइक करो यार, क्या कर रहे हो भाई। आपका भाई इतना मेहनत से आपके अली वीडियो बनाता है यार, आप लोग कम से कम लाइक ही कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ये नए नए मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। मैं सिंपली नीचे जा रहा हूँ, वो लास्ट जो बंदा है ना वो शायद नीचे होगा, क्योंकि उधर से दिख नहीं रहा था, शायद नीचे होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। आप लोग ज़रूर बताना कहाँ पर हो सकता है। मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ, जाता ही भाई मेरे टीममेट को ना डैमेज पड़ने लग जाता है भाई, मतलब बंदा उसको जिग जाता है। वो देखो डैमेज पड़ रहा है उसको, ये नॉकआउट पे हो गया भाई, ये अच्छा खासा बंदा है। चलो मैं डैमेज दे, अरे भाई ये लोग देखो मुँह पे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तीनों इजी बीजी संभाल लेंगे। चलो कोई ना भाई, ये लोग भैया हो गया भाई।